नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी दोस्तों। सुनीता शर्मा प्लांट लवर आज किसी प्लांट के बारे में बात करने नहीं आई जी दोस्तों, और ना ही किसी ट्रेवलिंग की बात, ना ही कहीं आपको घुमाने के लिए बात। जी हाँ, लेकिन आज की बात दोस्तों खास बात है। बड़ा गमगीन सा महसूस कर रही थी अपने आप को, तो सोचा कि चलिए अपने दोस्तों से बात कर ली जाए, खास तौर से उन यूट्यूबर से या उन दोस्तों से जो कि सपना जी स्नैपी गर्ल चैनल को देखा करते हैं। जो हुआ दोस्तों बहुत गलत हुआ। खैर, विधाता को ऐसा ही मंजूर था, कहना आसान है। बिल्कुल हाँ, आप भी सोच रहे होंगे जिस पर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सच है दोस्तों कि वही जानता है इस दर्द को, लेकिन यह भी तो सच है कि स्नैपी गर्ल अकेली नहीं थी, न जाने कितने ही लोग उनसे जुड़े हुए थे और ऐसे ही जुड़ गई थी मैं भी। जी हाँ, पिछले कुछ एक सालों से मैं उनका चैनल बराबर से देख रही थी और अच्छा महसूस कर रही थी वापस से उनकी चहकती हुई महकती हुई दुनिया को देख करके, कि चलिए अपना घर बसा लिया, वापस से खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगी। लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था, ये कहिए कि शायद ऐसा ही होना कर्म योग था। लेकिन दोस्तों, सपना जी को अब हम संभाल सकते हैं, उन्हें ऊर्जावान बना सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, उनके वापस से खोए हुए सपनों को साकार करने में मदद बन सकते हैं। वैसे सपना जी एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा हैं, एक ताकत हैं, समय के साथ समझौता कर लेने वाली हैं। कई ऐसी खूबियां होती हैं एक नारी में जो मैंने सपना जी में देखी थी। जी दोस्तों, मैं उनके चैनल को देखती थी, साथ ही साथ में उनके अंदर जो जो शक्तियां हैं उनको मन ही मन सराहती थी। परिवार को साथ लेने की, समाज को साथ लेने की उनमें ताकत है दोस्तों। हर चीज के साथ समझौता ना करके कुछ आगे बढ़ने की उनमें ताकत है दोस्तों। उनकी इस ताकत को हम लोग बरकरार रख सकते हैं, उनके जो बिछड़ा हुआ चमन है उसको वापस से आबाद कर सकते हैं। हम ज्यादा तो क्या कहें, लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं। एक नारी नारी की शक्ति की आवाज बन सकती है, उसकी ताकत बन सकती है दोस्तों। अच्छे कमेंट कीजिए। जो हुआ वह उनकी बदौलत नहीं हुआ, वह उनकी वजह से नहीं हुआ दोस्तों, कुछ पिछला भी तो होता है। और फिर हम सब इस दुनिया में आए ही किसके लिए हैं, पार्ट बजाने के लिए। रंगमंच पर दुनिया में आते हैं और अपना पार्ट बजा करके चले जाते हैं। ऐसे ही सूरज जी, रणवीर जी उनकी जिंदगी में आए, कुछ पल साथ खेले, साथ रहे, साथ घर बसाया और फिर वो साथ छोड़ करके चले गए। इसमें सपना जी का कतई दोष नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि नारी को अगर एक पुरुष चला जाता है तो इतना कमजोर क्यों समझ लेते हैं। ऐसे कमेंट आप लोग कतई नहीं करेंगे। खैर सपना जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो तो आप जरूर इस बात को हिम्मत माने, अपनी ताकत समझें कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। आप अपने साहस को, अपनी हिम्मत को टूटने ना दें। आप एक शक्ति हैं, आप एक ऊर्जा हैं, आप एक ताकत हैं, तभी तो आप अपना परिवार बसा कर रख सकेंगे। आपको छोटी छोटी सी बच्चियों को संभालना है जी। माँ स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा। सपना जी, आप हमारी YouTube फैमिली के परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि मुझे तो धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि कई बार ये चैनल के माध्यम से हम कितने पास आ जाते हैं, मेरे अपने परिवार के सदस्य जैसे लगने लगे। लेकिन बस मेरी बेटी जैसी हो, मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी हिम्मत को बरकरार रखना जी, और आगे की जिंदगी के जो फैसले हो वो आप सोच समझ करके लीजिएगा। मैं तो ये कहूँ कि विवाह ही महिला के लिए एक विकल्प नहीं होता। अच्छा है आप अपने परिवार को, अपने बेटियों को अच्छी तरह से संभालें, परवरिश करें और आप इसी प्रकार से उन्नति और तरक्की करते रहें। ईश्वर आपको इन सब गमों से उभरने के लिए ताकत दे। हम सब की संवेदनाएं, भावनाएं सदैव सदैव, अभी कुछ पल के लिए नहीं, साथ रहेंगी। अभी भी दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं दोस्तों जी, बहुत। और खास एक बड़ी ताकत, वो है भगवान। भगवान आपके साथ है, वो अब
जो भी कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। आप उस पर विश्वास रखिए, अपनी ताकत को समझिए, अपने गम से उभरिए। चलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ईश्वर उनके परिवार को इस गम से उभरने के लिए मौका दे, उनकी माता जी को भी उनको इस गम से उभरने के लिए मौका दें। और साथ ही सपना जी लास्ट बात में अभी आपसे आज के दिन विशिष्ट निवेदन एक बेटी के रूप में आपसे कर रही हूँ, माँ के रूप में कर रही हूँ बेटी को, कि आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए जी। नेगेटिव चीज़ों से बचे रहिए, नेगेटिव कमेंट्स भी मत पढ़िए। वैसे खैर अभी आपके पास में ऐसा वक्त भी नहीं होगा। चलिए और साथ ही जो लोग मेरे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और जो सपना चौधरी जी को जानते हैं और जो उनके चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं ये मानती हूँ कि हम लोग किसी के गम में साथ दें, उनकी ताकत बने, उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, उसको कुछ पॉजिटिव वाइब्स दें। अभी समय ऐसा ही है, उनकी हम ताकत बन सकें। सत सत नमन।